तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अ स्पेस अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्जेस विच अदर चार्ज पार्टिकल्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स मतलब एक ऐसा एरिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एक ऐसा एरिया जहां पे चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस क्या करेंगे एक फोर्स एग्जर्ट करेंगे एक फोर्स फील करेंगे ऐसे एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक थियोरेटिकली अगर आप देखने जाओ अगर थियोरेटिकली आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इंफिनिटी होगा बट प्रैक्टिकली क्या है एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही पॉसिबल है जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड का एक उसका रीजन होता है जहां देखो ये मैंने बनाया अब ये एक रीजन है उसी रीजन में उसका फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड ठीक उधर ही वो अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट्स मैग्नेट मेटल पार्ट को उधर ही अट्रैक्ट करेगा उसके बहुत दूर होगा तो क्या अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा सिमिलरली सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम केस रहेगा वो भी क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा या जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो एक सर्टेन रीजन में ही एग्जर्ट कर पाएगा ठीक नेक्स्ट अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ठीक तो जैसा हम देखो हम सब रिलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो क्या आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठेगा कि है क्या एक्चुअली तो मैग्नेटिक फील्ड में हम जानते थे कि अगर एक हम बार मैग्नेट ले रहे हैं तो उसके दोनों पोल पे क्या होता था जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाई रहती थी क्यों हाई रहती थी वो देख लेते देखो मैंने डायग्राम बनाया सपोज ये नॉर्थ और साउथ है तो इस एरिया में क्या रहता है देख रहे हो कि डेंस मैग्नेटिक फील्ड है इस एरिया में भी डेंस मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए इधर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा रहती है वैसा ही सेम केस होता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के भी साथ ठीक तो क्या होता है वो देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ये तीन वे में आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग वैनिसिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा एक जो आपका था, वो क्या करेगा कर रहा होगा, उसी को आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ठीक है आपको डायग्राम में गिवन है और ये प्लस क्यू नॉट है प्लस क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज वेर क्यू इज योर सोर्स चार्ज ठीक वही आपको पता है एक बार फोर्स इस साइड एग्जर्ट कर रहा होगा एक बार इस साइड एग्जर्ट कर रहा होगा डिफरेंट टाइप से एक बार क्यू नॉट फोर्स कर रहा होगा क्यूब पे एक बार क्यूब क्यू, क्यू नॉट पे कर रहा होगा ठीक अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है टू e अपॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज आपको हमेशा याद रखना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज विथ चार्ज अगर पूछा जाए कौन सा चार्ज तो ऑब्वियसली सोर्स चार्ज फोर्स पर यूनिट सोर्स चार्ज आप डेफिनेशन भी इजीली लिख सकते हो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज so इलेक्ट्रिक फील्ड सो यू कैन से दैट और यू कैन राइट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड आप फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट सोर्स चार्ज अब उसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जैसा कि इधर लिखा गया है फिर आप क्या करोगे अब एफ क्या होता था के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता था नॉर्मल के लिए वेक्टर में नहीं जा रहे अगर वेक्टर में जाओगे तो r कैप आ जाएगा उधर r कैप इन द सेंस यूनिट वेक्टर r आ जाएगा तो kq1 q2 अपॉन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर r ठीक अब यूनिट वेक्टर r आ गया तो अब क्या करना है आगे वो जान लेते हैं यूनिट वेक्टर r मतलब इसका मतलब क्या होता है ये हमें याद रहना चाहिए ऐसा नहीं कि भूल गए 11th में हमने पढ़ा है ये ग्राफिकली आपको अच्छे समझ में आएगा इसलिए मैं ग्राफिकली आज समझा रहा हूं आपको तो यूनिट वेक्टर टू अपॉन ऑफ वो स्मॉल क्या रहता था ग्राफिकलीग्निट्यूड जे समथिंग लाइक दैट ठीक और नीचे क्या रहता था मैग्निट्यूड विच इज रूट ऑफ फाइव स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर उसका एडिशन का आप रूट ले लेते थे तो ये आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड चलिए तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हाँ, इसमें एक और चीज हमें क्या ध्यान देना है कि जो टेस्ट चार्ज है जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत स्मॉल है तभी वो हम क्या करते हैं उसको निग्लेक्ट करना चाहते हैं सुड नॉट अल्टर देशन ऑफ चार्जेस उसके कारण कोई चार्ज पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इसीलिए आप क्या करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड आप सिर्फ सोर्स चार्ज को लेके सॉल्व कर रहे हो मतलब डिवाइड बाय क्यू कर रहे हो चलिए रफ कर देते हैं क्या काफी इंपॉर्टेंट है अब ये कुछ पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना है पहला पॉइंट देखो क्या है फर्स्ट पॉइंट क्या है सिंस क्यू नॉट टेकन पॉजिटिव क्यू नॉट अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अब क्या हम बोल रहे हैं कि जो क्यू नॉट है अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स मतलब क्या इसका मतलब क्या अगर आपके पास दो चार देखो मैं बता दे रहा हूं या आप एक अगर क्यू ले ले रहे हो इस इज क्यू दिस is q not ठीक और आपने क्या बोला कि q not अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं इफ q not इज टेकन पॉजिटिव और ये फोर्स इस लाइन में जा रहा है सपोज ठीक तो अगर फोर्स इज डायरेक्शन में है आपका फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस q not इस पे आप फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो q not पे ठीक तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी इधर होगा ठीक है ये आपको समझना ये इम्पोर्टेंट है चलिए तो ये समझ में आ गया सबको जो भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हो ठीक तो उससे मुझे भी इजी होगा कर, आपको आपका जो डाउट है वो सॉल्व करने के लिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसको समझ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स होगा फोर्स नेगेटिव चार्ज पर वो होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अभी जो हमने पढ़ा था अगर पॉजिटिव रहेगा तो क्या टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड और टुवर्ड्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बट इफ इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल देन इट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है यह भी इजी है सेम उसी का पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी कैसे ईक्व e हमने क्या पढ़ा एफ बाय क्यू एफ बाय क्यू पढ़ा था ना हमने फोर्स हम क्या लेते थे, थे? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर फोर्स क्या लेते थे के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर और इधर आता था आपका आर कैप ठीक ये इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है अब वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर ये वो भी वेक्टर ही आएगा तो उस बेसिस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा उस बेसिस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज रफ कर देता हूं मैं, फिर आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या है ड्यू टू पॉइंट चार्ज अब एक पॉइंट चार्ज क्यों आप ले लो तो एक पॉइंट चार्ज आप क्यू ले लो और फिर उसके बाद आप सॉल्व करते जाओ देखो क्यू नॉट आपको कुछ ऐसा वैल्यू आएगा ये आपके जो एक चार्ज थे वो फोर्स लगाया उसने डिस्टेंस आपका ट्रेवल जो है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक अब आपका वैल्यू क्या गया एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पा एफर नॉट hmm. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड टू एफ अपॉन क्यू अभी आर क्यूब कहां से हुआ क्या हमने मैंने अभी आपको बताया था कि आर कैप क्या होता है आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड तो आप वैल्यू अप कर दो ये आर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा सेम वे में आपने ई आर निकाल

तो कहा जो फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा और इफ क्यू इज लेस देन जीरो हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो ठीक? कि अगर इज ग्रेटर देन देन इट विल बी रेडियली आउटवर्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड और जब आपका क्यू लेस देन जीरो होगा नेगेटिव तो आपका रेडियली इनवर्ट तो डायरेक्शन आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आप इजिली बता सकते हो अगर आपसे डायरेक्शन पूछा है तो अब ये एक्सिस पे है देखो सुपरपोजिशन पोजिशन में क्या होता है ये हमने पांच चार्ज ले लिए ठीक अब उस उसपे डिफरेंट फोर्स एक्ट कर रहे हैं जो आपको पता है कि हर एक फोर्स लग रहा होगा वन पे टू के थ्रू फोर्स लग रहा है एफ वन टू मतलब फोर्स ऑन वन बाई टू एफ वन थ्री मतलब फोर्स ऑन वन बाय थ्री फोर ऑन वन बाय फोर फोर्स ऑन वन बाय फाइव ये पांच फोर्स लग रहे हैं टोटल वन पे ठीक ये हमने क्या बता दिया वन पे पांच फोर्स लग रहे हैं अब क्या होगा ये हमने लिख दिया f1 वन इक्वल टू एफ वन प्लस एफ वन प्लस एफ वन प्लस एफ वन तो ये हो जाएगा टोटल देखो वैल्यूज पुटअप कर दिया r a माइनस आर बी कहां से आया जो हमने r a बी लिखा था ना तो उसको हमने हमने जब डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ते थे टेंथ स्टैंडर्ड में तो उसमें आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होता है अगर मैं आर फाइंड कर रहा हूं तो आर वन माइनस होता है ठीक

जिस पे आप फाइंड कर रहे वो हो वो फ्लोटिंग चार्ज होगा मतलब वो उसका रिजल्टेंट कहीं आपको मिलने वाला है और बाकी आपका एक फिक्स चार्ज होगा वन पे टू से वन पे टू से वन पे थ्री से फोर से फाइव से एंड टिल एन तो सुपर पोजिशन में हम सारे ऐड करते थे फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या इलेक्ट्रिक लाइन इज अजनरी स्ट्रेट हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन वैसा ही सेम है कि इमेजिनरी लाइन जब इलेक्ट्रिस इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा उसको इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हो ये फिजिकल नहीं एग्जिस्ट करता आप फील कर सकते हो ये दो टाइप का आपको फोर्स बताया गया कि ऐसा हो सकता है ठीक चलिए तो ये देखो अगर क्यू ग्रेटर देन जीरो बोला था रेडियली आउटवर्ड्स क्यू लेस देन जीरो तो रेडियली इनवर्ड्स वेक्टर में आपको दिखाया जा रहा है साइज ऑफ जो एरो दिखा रहा है वो बता रहा है कि इंटेंसिटी कैसी है वही आपका बताया गया है रिप्रेजेंटेशन है तो ये आपका होता है इलेक्ट्रिक लाइंस कैसा होगा एक बार रेडियली रेडियो मतलब टूवर्ड्स चार्ज जा रहा है और एक बार रेडियली आउटवर्ड मतलब अवे फ्रॉम चार्ज कब होगा क्यूज ग्रेटर जीरो तो रेडियली रेडियली आउटवर्ड और Q 0 तो तो इनवर्ड आज के लिए बस ये इतना ही कि हम इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्स हमने पढ़ लिया मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थैंक यू तो ये बस आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही